केंद्र की सेना में अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार तीसरे दिन भी जला। राजधानी पटना समेत 25 जिलों में जमकर उपद्रव हुआ। दानापुर और लखीसराय स्टेशन समेत आधा दर्जन से अधिक स्टेशनों पर आगजनी की गई। 9 ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस पर पथराव किया गया और कुछ जगहों पर पुलिस ने लाठीचार्ज और फायरिंग की। बेतिया में प्रदर्शनकारियों ने डिप्टी सीएम रेणु देवी, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष संजय जायसवाल के घर पर हमला किया। यहां पर भाजपा विधायक विनय बिहारी की गाड़ी पर पथराव किया गया। सासाराम और मधेपुरा में भाजपा दफ्तर को प्रदर्शनकारियों ने फूंक दिया। एक दिन पहले नवादा में भाजपा कार्यालय को जला दिया गया। 2 विधायकों पर हमले हुए थे। सुबह से अब तक 8 ट्रेनों को निशाना बनाया गया। समस्तीपुर में 2, लखीसराय में 2, दानापुर फतुहा और आरा और सुपौल में 1-1 यात्री ट्रेन प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। वहीं बक्सर और नालंदा समेत कई जिलों में रेलवे ट्रैक पर आगजनी की गई। आरा के बिहिया रेलवे स्टेशन पर उपद्रवियों ने स्टेशन पर लूटपाट की है। टिकट काउंटर से लगभग 3 लाख रुपए लूट लिए हैं। बेतिया में यात्रियों को ट्रेन से उतार कर मारपीट की गई है। प्रदर्शनकारियों ने इस्लामपुर रेलवे स्टेशन पर इस्लामपुर हटिया एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगा दी। एसी बोगी समेत करीब 4 कोच धो धो कर चले। प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की। टोल प्लाजा में आगजनी भी की गई। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। कई राउंड फायरिंग की खबर आई है। आरा में सड़क पर आगजनी के बाद जाम लगा दिया गया। वैशाली के हाजीपुर रेलवे स्टेशन पर उप छात्रों ने तोड़फोड़ की है। समस्तीपुर में प्रदर्शनकारियों ने जम्मू तवी गुवाहाटी एक्सप्रेस बिहार संपर्क क्रांति में आग लगा दी। हाजीपुर बरौनी रेलखंड के मोहिद्दीन नगर स्टेशन पर भी आगजनी की गई है। प्रदर्शनकारी सुबह 6 बजे से ही ट्रैक पर डटे हुए हैं। रेलवे ने जहाँ तहाँ ट्रेनों को रोक दिया है। कई ट्रेनें रद्द भी कर दी गई हैं। खगड़िया में भी फिर से प्रदर्शन शुरू हो गया। मानसी जंक्शन पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ जुटने लगी है। इधर छपरा में छपरा सिवान मुख्य मार्ग पर चैनवा टोल बूथ पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया। टोल बूथ पर तोड़फोड़ के बाद रोड जाम कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।